राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की जो जंग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के कड़े तेवरों को देखते हुए अब सचिन पायलट को एक सलाह भी दे दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में डंके के चोट पर अपनी बात रखी है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अब यहां पर सीएम अशोक गहलोत मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर विधायकों को किस तरह से टिकट दिया जाए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सचिन पायलट के जो कड़े तेवर देखने को मिले हैं वो कड़े तेवर अब भी नरम नहीं हुए हैं, क्योंकि पायलट ने मांग रखी यहां पर 3 और यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। यहां तक कि सचिन पायलट 11 जून के दिन भी वसुंधरा राजे की जो सरकार रही राजस्थान में उसको लेकर और साथ ही साथ अशोक गहलोत की सरकार पर तंज कसते हुए देखे गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बातें रख दी हैं कि यहां पर अपनी बात रखने में आखिरकार जा ही क्या रहा है। अगर यहां पर बात रखी जाती है तो बुद्धि का दिवालियापन कह दिया जाता है, क्योंकि पेपर लीक मुद्दे पर सचिन पायलट ने मांग की कि पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए और इस मांग को लेकर अशोक गहलोत का कहना रहा यह बुद्धि का दिवालियापन है। अब देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट को सलाह देने पर जब सवाल पूछा गया अशोक गहलोत से तो उन्होंने सचिन पायलट को आखिरकार किस तरह से सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें कि गहलोत का दावा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर कि 200 में से 156 सीटें जीतेंगे, हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी नेता को राजस्थान में कहीं दिख नहीं रही है, मैं इस बार इनकी एक नहीं चलने दूंगा, राजस्थान में 156 सीटों से सरकार बनेगी। दूसरी ही तरफ जब सचिन पायलट को लेकर बात कही गई, उनका कहना रहा जब खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी के सामने बात हो गई है तो तय हो गया है कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी नेता कार्यकर्ता आलाकमान के उस निर्देश का पालन करेगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। यानी कि देखा जाए अशोक गहलोत साफ कह चुके हैं कि सचिन पायलट के जो कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं अगर यहां पर उनके कड़े तेवर और भी बढ़ गए तो पार्टी हाईकमान की बात उन्हें माननी चाहिए, क्योंकि डिसाइड यह हुआ है 29 मई की बैठक में कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने कुछ मांगे की हैं राहुल गांधी के सामने, उनका कहना रहा कि 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद उन्होंने मांगा है। 2022 में 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, अनुशासनहीनता के मामले में कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई है, तो राहुल गांधी जब अमेरिका से वापस लौटेंगे तब इस मामले में अहम फैसला सुनाएंगे। देखते हैं कि आखिरकार इसी नसीहत पर सचिन पायलट चलते हैं या फिर उनका रास्ता कुछ अलग ही नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।